हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक गुरु जी के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पांच एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं, और ये वो ऐसे एप्लीकेशन है दोस्तों जो कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैं। और ये ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद आपको हमेशा चल लगती होगी, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा कि ऐसे भी एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों, आप जरूर इन एप्लीकेशंस को देखिएगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है, वो है डॉक्टर फोन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर फोन, जिसको आप एंड्रॉयड डेटा रिकवरी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अगर आप फोन की गैलरी में अचानक से कुछ ऐसा कोई चीज डिलीट कर देते हैं लेकिन आप वापस पाना चाहते हैं, तो ये ऐप आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। इसमें दिए ऑप्शन में जाकर डिलीट किए गए चीजें रिकवर किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों डिलीट करने के बाद और डेटा को रिकवर करने का। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है, वो है मोमेंट कैम। जी हाँ दोस्तों, चेहरे से कार्टून बनाना। दोस्तों, अगर आप कार्टून और एनिमेशन के शौकीन हैं, ये ऐप आपको काफी ज्यादा आकर्षित करेगा। इस ऐप में कार्टून कैरेक्टर्स और क्रिएचर का एक बहुत ज्यादा मिक्सचर दिया गया है। ये ऐप आपके जेंडर्स और आपके एज पूछकर आपके हिसाब से आपसे रिलेटेड एक क्रिएचर तैयार कर देगा। ये भी एप्लीकेशन दोस्तों काफी अच्छा है। उसके बाद है थर्ड आईज, जो कि सिक्योरिटी ऐप है दोस्तों। अगर आपके अलावा कोई आपके फोन के पैटर्न्स लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऐप उस पर्सन की फोटो को खींच लेगा। दोस्तों, इसमें ऐसे भी सेटिंग्स है जिसमें आप जाके ये भी कर सकते हैं कि जो पर्सन अगर लॉक को अनलॉक करना चाहता है तो कितने अटेम्प्ट के बाद वो फोटो खींचे। तो ये भी दोस्तों काफी अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आपके मोबाइल फोन में आपके पैटर्न्स को कोई अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है आपके नहीं रहने पे, तो उसकी फोटो खींच लेगा, आपको पता चल सकता है। उसके बाद चौथा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है स्टैक एंड शेयर। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप में आप चाहते हैं कि पूरे जो कन्वर्सेशन है उसका स्नैपचैट ले, लेकिन ये हो नहीं पाता। अगर दोस्तों कुछ मोबाइल फोन की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें ऐसे फीचर्स दिए गए, जैसे कि Xiaomi मोबाइल में ऐसे फीचर्स है, लेकिन कुछ ऐसे ही मोबाइल फोन है जिसमें ऐसे फीचर्स नहीं है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन काफी अच्छा है, आप इसकी मदद से किसी भी लंबे कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद पांचवा एप्लीकेशन है एज स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सैमसंग एज लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये ऐप के जरिए आप फोन के डिस्प्ले को ऐसा बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन की मदद से आपको ये फील देगा कि आप सैमसंग एज जैसा मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं, जिससे आपके फोन के लुक को बिल्कुल बदल देगा। जरूर दोस्तों, इस एप्लीकेशन को ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, ये पांच एप्लीकेशन थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, आज जरूर इन एप्लीकेशन को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बातों के साथ। थैंक यू सो मच।